सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। देश भर में भाजपा व एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। गांधी चौक में गुरुवार की शाम को कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को जीत की बधाइयां दी। इस दौरान कई कार्यकर्ता के गले मिलते हुए भी देखे गए। आतिशबाजी के साथ साथ कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और राहुल कसवा जिंदाबाद के भी नारेबाजी की गई। इस दौरान वेद भवनलाल शर्मा, गंगाधर लाखन, विजय चौहान, श्रवण सिंह, मनीष दादीस, नरेंद्र गुर्जर, गणेश मंडावरिया, रिशपाल बिजाणिया, राहुल सामरिया, शंकर जिलोया, तनसु प्रजावत, गोपाल सोनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गांधी बस्ती में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया व उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर जश्न मनाया गया। माटोलिया ने अपनी टीम के साथ केसरिया तिलक लगाकर लोगों का स्वागत किया व एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी भी की। इस दौरान जिला मंत्री मुकेश जोशी, चंद्रप्रभा सोनी, विमल कंवर, रामेश्वरी बावरी, किरण सोनी, रेवती मेवाल सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। इसी प्रकार शहर में अनेक जगहों पर भी आतिशबाजी करके देश में बीजेपी की जीत पर जश्न मनाया गया। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत का सभी कार्यकर्ता मना रहे हैं। एक राष्ट्रीय हित के अंदर सभी मतदाताओं ने आज वोट दिया और नरेंद्र मोदी पर पुनः विश्वास किया। मैं आज के दिन सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी है और राजस्थान में ऐतिहासिक दोबारा 25 की 25 सीट ये दर्ज करवाई है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड पेश किया है। जनता ने नरेंद्र भाई मोदी में विश्वास व्यक्त करते हुए, नरेंद्र भाई के कामों में विश्वास करते हुए एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी एक जनादेश दिया है जिसको पूरे भारत में एनडीए को 350 सीटें क्रॉस लगभग हो रही है। हमारे चूरू जिले की सीट राहुल कशवाहा को 330,000 मतों से ऐतिहासिक जीत मिली है और राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 24 सीट भारतीय जनता पार्टी को, एक हनुमान बेनीवाल जो हमारे समर्थन में उनको 25 से 25 सीट मिल करके और भारत की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, चूरू जिले की जनता ने ऐतिहासिक समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे चूरू जिले की जनता को, राजस्थान की जनता को, भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक जनादेश मिला है और जो महामिलावटी चोरों ने सब चोर इकट्ठे होकर जो गठबंधन बनाया था और प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर कहने वाले और जनता ने ये साबित कर दिया कि चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार प्योर है। Yeah.